छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के बैनर तले दुर्ग में शामे उर्दू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से शायर व कवियों ने अपनी रचनाएं पढ़ी। इस अवसर पर मुशायरे के बाद सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के बैनर तले दुर्ग के गोंडवाना भवन में एक दिवसीय कार्यक्रम शामे उर्दू का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से शायर कवियों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम में चार चांद लगाया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी, उपाध्यक्ष डॉक्टर नजीर अहमद कुरैसी व सचिव एम आर खान कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा ने कार्यक्रम में शिरकत कर शामे उर्दू का मंच साझा किया। इस अवसर पर विधायक वोरा ने आए हुए सभी शायर व कवियों की रचनाएं भी सुनी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू भाषा व साहित्य के विकास हेतु लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में शामे उर्दू का कार्यक्रम आयोजित कर उर्दू भाषा शिक्षा के साहित्यकारों व खिदमतगारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को लेकर पुरस्कृत भी कर रही है। इस अवसर पर हाजी इरशाद बेग ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप छत्तीसगढ़ में उर्दू भाषा तालीम और उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण को लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें उर्दू भाषा के साथ ही हिंदी और स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रोत्साहित किए जाने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर आज उर्दू सेमिनार के बाद मुशायरा और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के साहित्य जगत से जुड़े शायर व कवियों व समाज के हित में बेहतर कार्य कर रहे लोगों का सम्मान भी किया गया। इस संबंध में कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी व मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष जनाब इदरीस गांधी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो हमारे राज्य की परंपरा है, हमारे देश की संस्कृति है, धर्म निरपेक्षता की, सद्भावना की, भाईचारे की, एकता की, उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद उसमें मजबूती देने का कार्य किया है। आज आप देख रहे हैं दुर्ग में सभी धर्मों धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सब अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी प्रतिभा से पारंगत है। उनका सम्मान आज इन्होंने यह रखा है। निश्चित रूप से जिनका सम्मान हम कर रहे हैं उनको सम्मान करके हम खुद सम्मानित हो रहे हैं। मैं इदरीस गांधी साहब के इस पहल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस संस्था को चलाने का दायित्व गांधी जी को सौंपा, इदरीस गांधी साहब को सौंपा है और वे अपने दायित्व का निर्वहन बहुत ही कुशलतापूर्वक कर रहे हैं और आने वाले समय में ये जो भावना है सद्भावना की, भाईचारे की, एकता की और लोगों को जोड़ने की, उस भावना को मजबूती मिलेगी। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो तोड़ने का प्रयास करती है और उसको हम अपने कार्यों के माध्यम से उसे उस तोड़ने का कार्य नहीं करने देंगे। यहाँ उपस्थित हमारे अरुण वोरा जी का मैं स्वागत करता हूँ कि वो हमारे मंच में आकर हमारा सम्मान बढ़ाए। और रहा उर्दू अकादमी की तरक्की के लिए और उसके प्रयासों के लिए, तो सबसे पहला प्रयास हमारा है ये है कि हम शिक्षकों की भर्ती पे ध्यान दें, क्योंकि काफ़ी अरसे से उर्दू में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है और जो जहाँ पर भी लोग रिटायर हुए हैं वहाँ पर भी नीचे से आदमी प्रमोट होकर ऊपर नहीं आया है। तो सबसे पहला प्रयास है कि जिन स्कूलों में उर्दू शिक्षक नहीं है वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी की मंशा के अनुरूप हम लोग छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के द्वारा जो उर्दू के लिहाज से उर्दू अदब और फरोग के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसी के तहत आज का ये शामे उर्दू कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही साथ उर्दू अकादमी के द्वारा उर्दू अरबी डिप्लोमा कोर्स चलाया जा रहा है, लाइब्रेरी के द्वारा भी उर्दू के फरोग के लिए, विकास के लिए लाइब्रेरी खोली है और वहाँ बुक वितरण किया जा रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके।